हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वन सेकेंड टू यर वेरी ओन चैनल दर इज मैथ जून विद सो फाइनली यर बैक विथ न्यू नोटिफिकेशन कमिंग फ्रॉम सीबीएसई तो जिसका हमको बहुत देरी से इंतजार था हमारा टर्म टू का सिलेबस या फिर सिलेबस तो ऑलरेडी गिवन था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबका नज़र था और बहुत सारे सोर्सेज से अलग अलग सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल रहे थे बट सी बी ने जस्ट तीन चार दिन पहले एक नोटिस दिया था कि सी बी के वेबसाइट में जो दिया जाएगा दैट विल बी द फाइनल और जस्ट आज शाम को मैं स्क्रॉल कर रहा था और सी बी के साइट में क्लास टेन एंड क्लास ट्वेल्व का टर्म टू के होने के लिए जितना भी सब्जेक्ट है सारा का मार्किंग स्कीम एंड आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सब कुछ गिवन है लिंक जो है उसका अगर आप लोगों को चाहिए तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है आप लोग जाके जा उसको ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो तो पहले ये वीडियो को देख लेंगे बहुत सिंपल सा वे में मैं समझा देना चाहता हूँ ये जो मैं आज ये वाला वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा टर्म टू में जो मैथ का पेपर है उसमें हमारा कैसा पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है जो हमारा डाउट था कि एमसीक्यू सी क्वेश्चन आएगा कि नहीं वो डाउट सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा तो नेक्स्ट फाइव मिनट्स थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम वीडियो को और कोई चैनल में आपको एक घंटा करके दिखाया जाएगा कि क्या क्या होने वाला है बट इतना टाइम आपके पास नहीं है आप लोग टाइम बहुत रिसेस है अभी के लिए तो आप लोग बस सुनो क्या क्या पैटर्न है उसको समझो और आपका प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लो ठीक है तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ा एक कन कन्फ्यूजन था कि सर ये एमसीक्यू होने वाला है या फिर सब्जेक्टिव होने वाला है तो वो सीबीएसई ने दूर कर लिया कि देयर विल बी नो एमसीक्यूज इन टर्म टू यस आपने सही सुना मैथ के पेपर में मोस्ट वाली साइंस के पेपर में भी मैं मैथ का बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला हमारा जो डाउट था एमसीक्यू और सब्जेक्टिव आने वाला होता तो वहां पे एमसीक्यू नो एमसीक्यूज विल बी देयर ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर ठीक है ये एक बड़ा न्यूज़ है और एक अच्छा न्यूज मुझे क्या लगा कि टर्म वन में आप लोगों को एक पॉइंट पाँच मतलब डेढ़ घंटा का टाइमिंग दिया जा रहा था और यहाँ पे टाइम अलाउड इज़ टू आवर मतलब आपको दो घंटे का टाइमिंग मिलेगा टू सॉल्व द सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये एक पहला अच्छा बेनिफिट है और द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स विल भी गिवन बाई गिवन इज 40 ठीक है तो दिस इज टर्म टू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड को जो है बेसिक का भी वही है तो बेसिक जितने बच्चे भी लिए हैं वो लोग भी देख सकते हैं सेम है मैं देख रहा था तो क्लास सिक्स सेशन ट्वेंटी वन आपका पेपर कोड है जीरो दिस इज रिलीज बाय द सी बी एस ई ऑफिशियल साइट में ही रिलीज किया मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो डायरेक्टली आता है हमारे मेन पॉइंट में जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर मार्किंग स्कीम कि कौन से Um, कौन सा आपका सेक्शन से कितना मार्क गिवन होने वाला है जस्ट वेट कौन सा सेक्शन से कितना मार्क गिवन होने वाला है सो दैट इज द सेक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन जो है तो पहले ध्यान से देखो क्या क्या दिया है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट फोर्टी क्वेश्चन सॉरी

मतलब सेक्शन ए में आपको दो मार्कर वाला छः क्वेश्चन मिलने वाला है तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो रहा है टोटल मार्क कितना हो गया बारह मार्क फ्रॉम सेक्शन ए इज दैट क्लियर थोड़ा सा नोट no डाउन कर लेंगे फिर इन बिन प्रोवाइडेड इन टू क्वेश्चन अच्छा सॉरी जो मैंने बोला था कि आपका और क्वेश्चन मिलेगा नहीं यहाँ ऑलरेडी वो है कि इंटरनल चॉइस मतलब वहां पे आपका सब क्वेश्चन तो करना है बट ईच क्वेश्चन में कोई दो ठो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा जिससे और क्वेश्चन मिलेगा ठीक है तो जो मैंने बोला था और नहीं मिलेगा नहीं यहाँ पे गिवन है कि और आपका मिलने वाला है तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन जब भी आप पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो ताकि वहां से एक क्लियर कट आइडिया आप लोग को मिल जाएगा ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए तो सेक्शन ए में आपका टोटल कितना क्वेश्चन बच्चों सिक्स क्वेश्चन हैविंग टू मार्क एज सो टोटल नंबर विल बी ट्वेल्व और दो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि आपको और मिलेगा ऐसा नहीं कि आठ क्वेश्चन से आपको छह करना है छह टो ही क्वेश्चन रहेगा बट ऐसा दो क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको और मिलेगा मैं दिखाऊंगा उसके पास ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर ए देन कमिंग बेर टू द सेक्शन नंबर बी सेक्शन नंबर बी कंटेन्स फोर क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क इज मतलब चार क्वेश्चन रहेगा और तीन मार्कर क्वेश्चन रहेगा सो अगेन इट विल बिकम ट्वेल्व फ्रॉम सेक्शन नंबर बी तो यहाँ पे कितना इंटरनल चेस इंटरनल चेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ओनली वन क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन के लिए मिला था ओनली यहाँ पे वन क्वेश्चन के लिए और आपको मिलेगा समझ में आ गया क्या बहुत सही से क्लियर हो गया तो सेक्शन ए ट्वेल्व मार्क सेक्शन बी ऑल्सो ट्वेल्व मार्क ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी क्लियर बच्चो देन कमर टू द सेक्शन नंबर सी सेक्शन सी कंटेन्स फोर क्वेश्चन

और दो जो है वो केस बेस क्वेश्चन होगा सीबी क्यू केस बेस क्वेश्चन मतलब फोर प्लस फोर दैट बिकम एट और बाकी फोर प्लस फोर सॉरी हा तो फोर सॉरी बच्चों फोर प्लस फोर आपका क्वेश्चन मिलेगा वहां से आठ मार्क सेक्शन सी का बात करो और बाकी जो लास्ट दो 4, 4 है वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन को केस बेस क्वेश्चन और ये नॉर्मल क्वेश्चन आपका ठीक है तो टोटल यहाँ से कितना मिल गया आपको सोलह मार्क मिल गया तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है फिर सेक्शन ए कंटेन्स सिक्स क्वेश्चन टू मार्क बारह मार्क सेक्शन बी फोर क्वेश्चन हैविंग थ्री मार्क बारह मार्क एंड सेक्शन सी चार क्वेश्चन हैविंग चार मार्क मतलब टोटल सोलह तो टोटल उल भी चालीस मार्क का आपका एक, आपको एग्जाम देना है इन टर्न टू एंड द टाइम अलाउड इज टू आवर्स क्लियर अभी थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखते हैं तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन ए में आपका छः क्वेश्चन मिलने वाला था तो नंबर वन हो गया आपका ए से ठीक है अगर मैं वहाँ वो, वो भी बता दूँ वो आप लोग भी देख सकते हो ये ए से हो गया ये आपका क्वान्टिटी इक्वेशन से हो गया ये आपका हो गया ट्राइंग सर्कल uh, से ठीक है फिर फोर नंबर क्वेश्चन आपका हो गया एरिया एरिया एंड वॉल्यूम से ठीक है नंबर वाला क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से हो गया और सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन आपका अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे दिया जिसमें कि और क्वेश्चन दिया है तो मतलब क्वाड्रेटिक से दो क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है सेक्शन ए में दो मार्कर वाला और एक ही क्वेश्चन जो है जिसमें कि और मिल रहा है अच्छा एक ना दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको इंटरनल मार्किंग मिल रहा है तो सेक्शन ए दो मार्क छे क्वेश्चन तो टोटल सेक्शन ए में कितना हो गया बच्चों बारह मार्क हो गया समझ में आ गया फिर सेक्शन बी में अगर देखेंगे अगेन स्टैटिस्टिक्स से दो मार्क तीन मार्क वाला एक क्वेश्चन फिर कंस्ट्रक्शन एक तीन मार्क मतलब ये सी है कि एक कंस्ट्रक्शन आएगा तीन मार्क का ये डायरेक्टली थुआ मार्क होगा थुआ मीन्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अगर अच्छे से करेंगे तो नाइन नंबर जो क्वेश्चन दे ये फिर से स्टैटिस्टिक्स से दे दिया फाइव

एंड सेक्शन सी में अगर जाएंगे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली वो दे दिया कर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो कि एक्सपेक्टेड था कि चार मार्क का वहां से आ रहा है फिर प्रूविंग वाला ठीक है सर्कल वाला मैंने बोला था सर्कल का सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जा रहा है प्रूव द एंगल बिटवीन द टू एंगल ये डायरेक्टली टेन पॉइंट टू का डायरेक्टली एक्सरसाइज क्वेश्चन और ये भी डायरेक्टली एग्जांपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का ठीक है ना तो देख के ही याद आना चाहिए क्योंकि इतना प्रैक्टिस अगर आप लोग किए हो गया का तो बहुत सही से आप लोग का हो जाएगा और मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ कि एन अगर आप पाँच बार आप लोग कर लोगे ना खत्म कहानी ठीक है चालीस का चालीस ठीक है खत्म मतलब चालीस मार्क आ जाएगा डोंट वरी देन कमिंग बैक दो क्वेश्चन आपका चार मार्क हो गया और वो दो क्वेश्चन से ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको और मिल जाएगा ठीक है ना तो मोस्ट दैट क्वेश्चन विल भी सर्कल तो एक लॉन्ग एक क्वेश्चन आपका एरिया वॉल्यूम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका सर्कल से

और एक आपका दे रहा है ए पी से अच्छा तो ए पी का जो लास्ट वाला एनसीआईटी का प्रॉब्लम होगा आप लोगों को याद होगा जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगा वो केस बेस में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है तो उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे हाँ दैट इज़ ऑल फॉर योर टूडेज वीडियो एंड आई होप आप लोगों सबको समझ में आ गया होगा जब मैं इसको अभी बहुत जल्दी ही इसका मैं सल्यूशन वीडियो भी लेके आ जाऊंगा सिंपल पेपर कैसे सॉल्व करते हैं और कितना टाइमिंग अगर हम लाइव से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम हमको लग रहा है उसको सॉल्व करने में ठीक है उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे मैं सारा कुछ सेटअप करके मैं आप लोग को समझा दूंगा ठीक है तो मैं और एक बार बस रिव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ कि आप लोग का सेक्शन ए में दो मार्कर छः क्वेश्चन आपका बारह मार्क सेक्शन बी तीन मार्कर चार क्वेश्चन अगेन बारह मार्क सेक्शन सी चार क्वेश्चन चार मार्कर सिक्सटीन मार्क तो ये चार क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों यहां से आपका दो और क्वेश्चन यहां से आपका एक और क्वेश्चन इंटरनल चॉइस यहां पे एक और क्वेश्चन खत्म कहानी चालीस मार्क का फोर के आएंगे और चालीस का चालीस रख के आएंगे ठीक है और उसका प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ऑन्सर्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है उसका मैं मुझे बस इतना जानना था कि टू मार्कर या फिर एमसीक्यू अगर एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो एमसीक्यू नहीं करेंगे डायरेक्टली टू थ्री और फोर मार्कर्स करेंगे पहले एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करेंगे और वन शॉट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा सारा कॉन्सेप्ट और एक बार डिटेल डिटेल में आपको बताने के लिए बहुत टाइम है आज जनवरी फिफ्टीन ही हुआ है तो वी हैव एनफ टाइम ऑफ टू मंथ्स सो इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव अगर हम आज से ही हमारा प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लेंगे ठीक है मैंने बोला था आपको दस मिनट के अंदर कंप्लीट करूंगा दस मिनट हो गया देन मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिर आप लोग जाइए पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा इधर उधर ढूंढ के और कोई चैनल से जाके देखने का मन नहीं है सीधा आपको समझ में आ गया क्या क्या आने वाला है सेक्शन ए बारह सेक्शन बी बारह सेक्शन सी सोलह और कहीं पे जाने से आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जाएगा इसीलिए चुपचाप पढ़ाई कीजिए और टर्म टू में चालीस का चालीस के आइए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टिल टेक केयर ऑल ऑफ यू स्टे